पता चल गया, मतलब अभी तक तो पहला सर्विस भी नहीं हुआ है, उसके पहले इतना एवरेज ठीक है, मतलब मुझे उम्मीद नहीं था, मुझे जो सुनाई पड़ा था 22, 23, 24, 25 ऐसे बता रहे थे। ट्रिप एफ में चल चुका है कितना, 25 किलोमीटर, अब देखते हैं ट्रिप वन में 282। बारिश होने लगी पापा, अब इतना मम्मी ने बोल दिया तब भी इधर ही बैठे हो, बैठ सकते हैं उधर नहीं बैठ सकते? भाई हट गया यहाँ सोफा से, मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। 5 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 3:10 और ब्लॉग अपना अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अपना सुबह में कुछ काम था तो मार्केट चला गया था, मार्केट से अपने सारा काम करके अभी जैसे आया हूँ, खाना पीना खाया हूँ और अपना ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। और ये भाई साहब अभी घर में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं इनके, ऑनलाइन क्लास चल रहा है जिसकी वजह से घर में ही रहता है, और ये रहता है घर में तो मुझे सुबह के टाइम में थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, इसको लाने का टेंशन रहता नहीं है बिल्कुल भी, इसको लेके आना है स्कूल बस आएगी लेके आना है। अब थोड़ी देर में निधि भी आ जाएगी, अभी चलेंगे उसको भी लेके आ जाएंगे। बाहर तक गर्मी इतनी हो रखी है ना, मतलब ना बारिश हो रही है ना कुछ हो रही है, न्यूज़ में दिखा था कि दिल्ली में इतनी बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन बारिश कहीं कुछ भी नहीं है। वो मुझे क्योंकि घर के अंदर बैठे में पसीना चल रहा है फैन में भी, तो बाहर बहुत ही बुरा हाल है गर्मी से। तो अभी चलते हैं, पहले निधि का भी फोन आने का वेट करते हैं, निधि आया तो लेके आएंगे। नहीं आई थी ना? नहीं आई थी, सारे दिन बेटा ऐसे ही पड़ा रहता है, सारे दिन कुछ कभी भी अचानक से आ जाए ना, उसको पहले दरवाजे पे रोक दो, बेटा रुक जाओ, हम घर समेट रहे हैं। और कुछ? हाँ तो बैठे कहाँ ये बता दो, तुम ही बता दो, जगह बता दो कभी। अरे तुम लोगों के लिए गद्दे में कम से कम इसी पे बैठ जाए करो, सोफा तो मत खराब किया करो। अरे तो नीचे बार बार कितना बैठेगा आदमी यार, नीचे कितना बैठेगा, हम जमीन पे बैठे। ये तो देखो ना, कोई आते हैं सारा वो नीचे लटके पड़े होते हैं, कब कुशन्स का आता पता नहीं होता, सब कुशन्स तो यहीं पे थे, चिड़िया उल्टी लटकती है ना। मैं इतनी देर से इधर बैठा हूँ देखो। हाँ तू तो झूठ बोलने में माहिर हो गया है। झूठ बोल रहा हूँ सब, मैं ही खराब करके जाती हूँ सुबह, पापा बैठते हैं सुबह 4 बजे उठ के उसी को हटा देती हूँ मैं। नहीं पापा रोज बैठता है उधर, मैं बैठता है। क्या बोल रहा है, क्या पापा रोज उधर बैठता है? बैठते हैं, तमीज तो रही नहीं है बोलने। गलती से बोल दिया, गलती से वही बोलते हैं ना जिसके मन में होती है चीजें। देख देख सर पकड़ रहा है, दिमाग होगा तो ना। मैं रोज सुबह उधर बैठता, बिल्कुल यहाँ नहीं बैठता होगा तू तो, मैं जहाँ बैठूंगा बगल में आके बैठ जाएगा। खेल तो पड़ोसी रहा था दोपहर में, क्या वो तो शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ मैं आया हूँ मार्केट से, उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाया हूँ, देखा तू जानती क्या फैला रखा था, ये टूट गया था सुबह मुझे पता है। वो नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, बच्चे खेलते हैं सैंड वाला, क्या होता है वो सैंड वाला? नहीं वो क्ले थी, क्ले था, क्ले नहीं फिर क्या सैंड, वो वाली सैंड भी निकाली थी तूने? हाँ पूरा यहाँ फैला दिया था, उसके बाद उसका नर्सरी में एडमिशन करा दो। बच्चों वाले काम करते रहता हमेशा, ऐसा भी नहीं उसका लिखा कि 5th क्लास का बच्चा खेलता है। हाँ तो ऐसे उसमें भी नहीं लिखा कि नर्सरी का बच्चा ही खेल सकता है वो। दोनों में ऐसे स्कूल से आने के बाद अपना ट्यूशन क्लास हो गया, 3 प्लस में 10 भी आता है बताओ। के तो मतलब स्कूल से निधि आई है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया उसने, ना फिर ट्यूशन पढ़ाई है, अभी जैसे ट्यूशन खत्म हुआ है दोनों में शुरू हो गया है। बीच में क्या हुआ था, ट्यूशन पढ़ाते वक्त बच्चे की मम्मी आ गई थी, तो यहाँ पे सोफा का उल्टा वो वोल्टेज डाउन हुआ, फ्लक्चुएट हुआ होगा, इसलिए हो जाएगा, थोड़ा छोड़ अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक, डोंट वरी। ये तो गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पे, गर्मी इतनी हो रही है ना पूछो मत, मतलब ऐसा लगता है एसी बंद ही मत करो, लेकिन क्या करें एसी अगर 24 घंटे चलाएंगे तो बिजली बिल यूपी में तो एनसीआर पार्ट में तो उसने कौन सा, केजरीवाल ने भी तो बढ़ा दी यूनिट, दिल्ली वाले अब रो रहे हैं। अरे तुम्हारे स्कूल में क्या हो गया, अब केजरीवाल के लिए रो रहे हैं लोग, इसके स्कूल में एज ए टीचर है इन लोग की तो नाक में दम कर रखा है। पापा अब इतना मम्मी ने बोल दिया तब भी इधर ही बैठे हो, बैठ सकते हैं उधर नहीं बैठ सकते? हट गया यहाँ सोफा से, मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ। देख रही हो क्या बोलने आया, देख रही हो ना? देख रही हूँ। तो आज अपना बाइक फिर से रिजर्व में आ गया है, अभी चलूंगा दिखाऊंगा नीचे, जब चलूंगा ना अभी जाना है बुद्ध बाजार, तो वहाँ जब जाऊंगा तो दिखाऊंगा क्या, मतलब क्या एवरेज दे रहा है, पता चल गया, मतलब अभी तक तो पहला सर्विस भी नहीं हुआ है, उसके पहले इतना एवरेज ठीक है, मतलब मुझे उम्मीद नहीं था, मुझे जो सुनाई पड़ा था 22, 23, 24, 25 ऐसे बता रहे थे, लेकिन कहीं उससे ज्यादा दिया है, और अभी जब चलूंगा तो दिखाऊंगा मैं कितना दिया है। 8 लीटर पेट्रोल भरवाया था रिजर्व लगने पर, आज ही रिजर्व लगा है, 4-5 किलोमीटर उसके बाद चल गया है, तो टोटल क्या चला है अभी चलेंगे नीचे तो दिखाऊंगा। तो माँ की अभी चाय बन रहा है, चाय पीते हैं, शाम हो गई 7:45, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद 9 बजे के आसपास मार्केट चलेंगे, सब्जी लेके आएंगे घर का। सुबह से इतना सारा टेंशन था ना दिमाग में, इसलिए घर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट भी किया, तो आफ्टरनून में स्टार्ट किया।
कितने सारे टेंशन आदमी झेले लाइफ, डेली चैलेंजेस, नया नया चैलेंजेस में डेली आते रहते हैं। तो कौन सा पजल गेम होता है, डेली पजल करते हैं ना सॉल्व, उसी तरह लाइफ का चैलेंज है, डेली सॉर्ट आउट करते हैं उसको। चाय आ गया देखो ग्लास में चाय, और चाय के साथ देखो कितने चीज खाने के लिए लेके आई है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, इतने सारी चीज खा चुका है चाय के साथ। क्या खाया, चाय नहीं खाना, खाना खा रहा है तो। बारिश होने लगी, हाँ होना भी चाहिए, 5-6 घंटे कम से कम ऐसे, बहुत गर्मी हो गई तो पानी भर गया यहाँ तो। अभी 15 मिनट नहीं बारिश का हुआ, 15 मिनट नहीं हुआ बारिश का, सब भर गया। माय गॉड, 1 घंटे पूरे बारिश हुई है और 1 घंटे बारिश में भीग के आया हूँ। सब मोबाइल वोबाइल सब छोड़ के चला गया रोड पे बारिश में घूमने के लिए। इन लोगों को बोला ये लोग चले ही नहीं, इन लोगों को बोला ये लोग चले ही नहीं, मैं अकेला चला गया। खाना आ गया, रोटी करी खाते हैं, रोटी करी उसके बाद मिलते हैं। 2000 years later. तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बज चुके हैं 2, रात में बारिश की वजह से आज पानी ही नहीं था, अब जस्ट पानी आया तो नहाया हूँ और तैयार होकर अब निकल रहा हूँ मार्केट के लिए। वैसे गाड़ी का एवरेज भी पता चलने लगा है, तो अब चल के दिखाऊंगा कितना एवरेज दे रहा है। लास्ट टाइम हमने जब पेट्रोल भरवाया था लगभग 8 लीटर पेट्रोल भरवाया था रिजर्व लगने के बाद, मतलब रिजर्व में 3-4 किलोमीटर चलाया था, 8.16 पेट्रोल आया था लीटर। और अब देखते हैं चल के कितना पे रिजर्व लगा है और कितना चल चुका है। ट्रिप ए में हमने सेट कर दिया था कितना किलोमीटर चलेगा, पता चल जाएगा उससे 8 लीटर में, और अब रिजर्व लग गया है उसके बाद 20-22 किलोमीटर चल भी गया मेरे ख्याल से, तो उसको माइनस कर लेंगे ट्रिप ए से तो अपना एवरेज निकल जाएगा। तो चलते हैं लेट्स गो, आज भी कभी घर पे ही रहेगा, मैं चलता हूँ मार्केट, मार्केट से आके फिर अपना देखेंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं अपना एवरेज टेस्ट भी, कितना एवरेज दिया वो भी निकालते हैं चल के। सो लेट्स गो। तो ट्रिप एफ में चल चुका है कितना, 25 किलोमीटर। अब देखते हैं ट्रिप वन में 282, मतलब ऑलमोस्ट। तो अपना जो था ना ट्रिप ए जो हमने सेट किया था जब पेट्रोल फिल करवाया था, ट्रिप ए सेट किया था 20 पे, तो वो हो चुका है 282, और रिजर्व लगने के बाद लगभग 25 से 30 किलोमीटर चल गया, मतलब लगभग 250 किलोमीटर 8 लीटर में चला। तो 250 8, मतलब वही 31-32 का एवरेज निकल के आया है कब, सर्विस होने से पहले। तो ऑलमोस्ट अब 450 किलोमीटर बाइक चल चुका है और 50 किलोमीटर के बाद सर्विस करवाएंगे, सर्विस करवाने के बाद देखेंगे सर्विस के बाद कितना एवरेज देता है, क्योंकि सर्विस के बाद एवरेज नॉर्मली 6-7-8 किलोमीटर बढ़ जाते हैं। तो अगर 40 तक पहुंच भी जाता है, अगर 40 तक पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं कितना एवरेज देता है। वैसे तो सर्विस के पहले ये मान के चल रहा हूँ 31-32 का एवरेज है।